हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है ऑटो ब्रेक के ऊपर, जिसको बोलते हैं ईपीबी, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक। इसमें हैंड ब्रेक लीवर नहीं होता, क्रेटा गाड़ी है टॉप मॉडल। और ये अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं पूरी जानकारी, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं गियर में तो ऑटोमेटिक ब्रेक रिलीज कैसे होगी वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हैंड ब्रेक को ऑन करने वाला हूँ। ये मेरी मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल, और इसमें ये स्विच होता है ब्रेक का, ये मैंने एक्टिव किया और यहाँ पर जैसे ही एक्टिव किया तो हैंड ब्रेक का शाइन आ गया। अब मैं बात करूँ तो आपको पता है कि भाई अगर गाड़ी चलानी है तो आपको ही डाउन करना पड़ेगा हैंड ब्रेक, जैसे कि मैं भी डाल रहा हूँ गियर में गाड़ी तो डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आप गाड़ी का हैंड ब्रेक अगर आपका ऑन है, अगर पार्किंग ब्रेक ऑन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ईपीवी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ अभी गाड़ी का, ये मैंने सीट बेल्ट लगा दिया। अब सीट बेल्ट लगा दे, सीट बेल्ट का साइन चला गया है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैं इसको छेड़ूंगा अभी, और दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ओनली फोर मैं गाड़ी का बस गियर डाल रहा हूँ, पहला गियर ये डाला मैंने, और मैं गाड़ी का अब एक्सीलेटर दे रहा हूँ। ये मैंने एक्सीलेटर दे शुरू किया, आप देखेंगे मीटर पे ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, हैंड ब्रेक का हैंड चला गया। तो ये क्या काम करता है, अगर गाड़ी के सारे डोर्स लॉक है, हुड लॉक है और सीट बेल्ट लगा हुआ है और हैंड ब्रेक ऑन था आपका, आप जैसे ही गाड़ी गियर में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए आपको तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।